आपको खाना बनाना सीखना है तो मैं आपको फर्स्ट दाल चावल रोटी और सब्जी बनाना सिखाऊंगा। जब आप ये चार सीखेंगे, वर्ब्स, टेंसेस, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, ये आप सीखेंगे ना, तो क्या होगा, तो आपको आसानी से चार लोगों के बीच में बात करने का अभ्यास आ जाएगा। और पुलाव और डेजर्ट सब कुछ मैं बाद में सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ सीखेंगे फाइव फॉर्म्स। फाइव फॉर्म्स का मतलब है आप जो भी बोलना चाहें इंग्लिश में, तो सिर्फ पांच सेंटेंस में आप सब कुछ बोल सकते हैं। तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग का मतलब क्या है, मैं अब जा रहा हूं या जा रही हूं। आई वॉज गोइंग, मैं पहले जा रहा था या जा रही थी। आई विल गो, मैं बाद में जाऊंगा या जाऊंगी। आई विल बी गोइंग, मैं बाद में जाता रहूंगा या जाती रहूंगी। आई वेंट, मैं पहले जा चुकी हूं। अगर आप इतना यूज करेंगे ना, तो चार लोगों के बीच में आपको आसानी से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और जो पुलाव और डेजर्ट वो सब कुछ सिखाना है ना, वो बाद में सिखाऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए चार लोगों के बीच में इंग्लिश में। करेक्ट, आप सब कुछ जानते हैं मगर डैम ओपन होना चाहिए। सिर्फ आपको बोलने का तरीका वेरी वेरी सटली आपको आना चाहिए। तो देखिए, अगर आप फाइव फॉर्म्स सीखेंगे, अभी अब जो मैंने आपको दोहराया उसको बताया आपको, अगर आप ये बोलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर चार लोगों के बीच में इंग्लिश में आराम से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो फर्स्ट चेंज आपको, आज तक जो आप एक काम कर रहे हैं, एक गलती जो आप आज तक कर रहे हैं, वो गलती आप करना छोड़ देंगे। क्या है वो गलती, जब कोई आपके सामने इंग्लिश में बात करने के लिए आएगा तो आप फ्रीज हो जाते हैं। करेक्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, फियर, हेजिटेशन, सब कुछ आपको दबा डालेगा, ये नहीं होगा। तो आप थोड़ा बहुत वीडियोस देखेंगे तो पहला चेंज ये होगा। और दूसरा चेंज जो है, जब आप इंग्लिश मेरे साथ वीडियोस देख के सीखेंगे तो चार लोगों के बीच में जब कोई बात करे तो थोड़ा बहुत आपको बात करने का भी कंफर्ट आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नो 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 आई विल कीप क्वाइट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मैं गलती करूंगा, अगर कोई हंसेगा तो मैं क्या करूं। तो आप बिना सोचे आप फाइव फॉर्म्स में आसानी से उत्तर देंगे। आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई वेंट। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।